माँ सरस्वती का वास होता है इस पर और वो चीजें जीवन में हकीकत में बदल जाती है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, डू बिलीव इन बेटर फ्यूचर, क्या आपको विश्वास है कि हमारा कल जो है बहुत बेहतर हो सकता है? यस, थैंक यू सो मच। अगला सवाल, क्या आप इसके निकट पहुंच रहे हैं? यस यस, निकट पहुंचने का मतलब समझिए राइट नाउ कहां पे आप हैं अभी एट प्रेजेंट कंडीशन में, जो भी आप हैं, आपका फिजिकल स्टेटस जैसा है, मेंटल स्टेटस जैसा है, फाइनेंशियल कंडीशन जैसा भी है, जिस तरह के घर में आप रह रहे हैं, जैसे जीवन शैली को आप जी रहे हैं, जो भी आपका स्पिरिचुअल कंटेंट है, एवरीथिंग, अभी जहां आप हैं वहां से लेकर के जहां पहुंचना है, समझिएगा, अभी जहां है राइट नाउ वेयर यू आर एट प्रेजेंट, हर आप किसी ना किसी स्थिति में है, जो भी आपकी स्थिति है राइट नाउ, वहां से लेकर आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, जो भी आप विजुलाइज कर पा रहे हैं, जहां जाना चाहते हैं, अगर हर दिन एक एक कदम आप ग्रोथ लेकर इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मतलब आप ग्रोथ माइंडसेट के साथ हैं, रोज का 1% अगर बदलाव लाया जाए ना, 365 दिन में 365% बदलाव लाया जा सकता है। एक अच्छी आदत रोज अगर हम सोचें कि एक नया आदत सीखेंगे, 365 नया आदत हो जाएगा। एक किताब जो आप बहुत पहले से पढ़ना सोच रहे थे कि इस किताब को मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, रोज केवल एक पन्ना पढ़े, कितना, एक पन्ना पढ़ा जाए, 365 दिन में 365 पन्ने की मोटी सी किताब खत्म हो जाएगी। प्रॉब्लम कहां पे होता है, हम लोग देखते हैं बड़ी किताब है, अरे बाप कौन पढ़ेगा इसको, छोड़ दो, यही होता है ना। लेकिन एक हैबिट बना लें कि सुबह में एक पैराग्राफ, दोपहर में एक पैराग्राफ, रात में सोने के पहले एक पैराग्राफ, 2 मिनट लगेगा, और हर दिन से आदत कंटिन्यू करें, 365 दिन में मोटी किताब खत्म हो जाएगी। उसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ भी उसको बाइफोकेट करके, डिसइंटीग्रेट करके, जो भी आपका प्लान है आने वाले समय में, इनकम वाइज हो, लेवल वाइज हो, हर दिन आपने करना क्या है, खुद से एक सवाल करना है कि क्या मैं इसके निकट पहुंच रहा हूं या पहुंच रही हूं। अगर आंसर यस आ रहा है, यू आर द राइट टू स्लीप, आपको अधिकार है आप जाके सो जाएं, और अगर ये आंसर आता है ना, कीप ऑन ट्राइंग, समझ पा रहे हैं, ये हर फील्ड के लिए, नॉट ओनली यूनिवर्सिटी, आपके पूरे जीवन के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसके लिए आप कर क्या रहे हैं? चलो विश्वास है मान लिया, विश्वास है मान लिया, हमें लग रहा है कि हम वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या डायरेक्शन सही है? ऐसा तो नहीं कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, जाना है इधर और जा रहे हैं इधर, ये भी तो हो सकता है। तो व्हाट आर द राइट स्टेप्स, क्या करना है इसके लिए? बेस्ट ने बड़ा सिंपल बताया है, 7 काम रोज, थोड़ा पुरोज खाना, लोगों को बताना, लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, प्लान शो करना, मीटिंग करना, टीम वर्क करना, फॉलो अप करना, यही तो होता है। हेलो, यस सर, यही है ना, रिपीट कर सकते हैं मेरे साथ? यस, पहला प्रोडक्ट को, दूसरा लोगों को, तीसरी बनानी है, चौथा करना है, चौथा करना है इनवाइट, पांचवी करनी है, छठा करना है और सातवां करना है। बिल्कुल याद है, रिपीट कीजिए बार बार तो पूरे दिमाग पे आ जाएगा, हमेशा निकलेगा, जब भी बोला जाएगा 7 काम कौन सा, सोए भी रहेंगे कोई बोलेगा कौन सा 7 काम, ओके, पहला पड़ा को खाना, सर लोग बताते हैं चौथा करना, पांचवा करना, छठा करना, टीम सातवां करना, फॉलो अप, खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसके लिए आप कर क्या रहे हैं, ये 7 काम क्या हम रोज कर रहे हैं अपने आप से? आपने कहा ना बहुत सही बात है, बेसिक ईमानदार सवाल है। और फाइनली अगर मान लो कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसा करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए जाने में परेशानी आ रही है, मुझे नहीं आता, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, कर नहीं पा रही हूँ, दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन नंबर 4 इज दिस, कि आप किसे या क्या ऐसा जानते हैं जो आपको वहां तक पहुंचाने में मदद करेगा? डू यू हैव समवन, क्या आपके पास ऐसा कोई मेंटर है, ऐसा कोई गाइड है, ऐसा कोई सिस्टम है जो आपको यहां से लेकर वहां तक जा सके?